खबर भिंड से, जहां तीन लोगों ने मिलकर के एक नाबालिग के साथ में गैंग रेप किया। युवती घर से दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी, तभी तीन युवकों ने युवती को जबरदस्ती हाथ पकड़ करके अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर उसके साथ में बलात्कार किया। आरोपी यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने युवती के साथ मारपीट भी की, जिससे युवती का पैर फ्रैक्चर हो गया। मामले में युवती की शिकायत पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनमें जैसे स्टेटमेंट दिए थे वैसे स्टेटमेंट नोट किए गए हैं, उसमें धाराएं इजाफत की गई है, 164 के कथन भी बताए गए हैं, बस आरोपियों की तलाश जा रही है। परिवार के लोगों ने यह भी कहा कि आरोपी पुलिस के कब्जे में है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अभी आरोपी हमने पकड़ा। देश में एक और जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया, इस बीच कई जगहों से लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त रुख अपना रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश के सागर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मास्क नहीं लगाने पर पुलिस ने बेरहमी की इंतहा कर दी। उन्होंने महिला को पहले लात घूंसों से पीटा, साथ ही उसे खींचकर गाड़ी में डालने की कोशिश भी की। वायरल वीडियो में नजर आया कि पीड़िता कई बार छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वालों को उस पर तरस नहीं आया। दतिया में चिरूला यूपी एमपी बॉर्डर पर एक ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। झांसी से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर में इतनी जोर से टक्कर मारी कि ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। हालांकि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने जेसीबी की मदद से रोड से मलबा हटवाया। घटना में घायल हुए ट्रक ड्राइवर के फिलहाल सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रदेश में बढ़ते नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में लगातार पुलिसिया कार्रवाई तो हो ही रही, लेकिन जबलपुर अधिवक्ता संघ की महिला विंग इससे खुश नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले के आरोपी सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ में बेहद सामान्य धाराएं लगाई हैं। उस पर एनएसए की कार्रवाई भी महज 3 महीने के लिए की गई। इन आपत्तियों को लेकर महिला अधिवक्ता ने एसपी कार्यालय पहुंच करके एसपी को संज्ञान दिया, एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने ज्ञापन लेने के बाद में महिला अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि उनके मांगों पर जल्द अमल किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मोखा और अन्य लोगों के ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। 3 महीने बाद वो जमानत पे आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगा भी था तो 6 महीने साल भर का लगता, ताकि सारे हॉस्पिटल में जितने लोग हैं अन्य लोग उनके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बनता, और वो मेडिकल में भी देखिए कितने सरकारी शासन पेमेंट कर रहा है डॉक्टरों को, लेकिन कोविड वार्ड में जाने से कोई भी वो सब ऐतराज कर रहे हैं, कोई भी जाँच नहीं कर रहा। कुछ महिला अधिवक्ताएं अभी एसपी ऑफिस में आई हैं, उन्होंने इस आशय का ज्ञापन दिया है कि जो कार्रवाई अभी सिटी अस्पताल वाले प्रकरण में चल रही है और स्ट्रिक्टली देखा जाए उसमें कुछ धाराओं का भी उन्होंने उल्लेख है जिसका इजाफा होना चाहिए। उनके पूरे आवेदन की जांच कराई जाएगी और उसके उपरांत कार्रवाई करेगी। भिंड पुलिस को मुन्ना भाई जैसे आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। दरअसल मूल रूप से उत्तर प्रदेश कन्नौज निवासी दीपक भदौरिया अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए और माता पिता को झूठी खुशी देने के लिए फर्जी जज बन गया और काफी समय से अपनी पत्नी परिवार वालों को गुमराह कर रहा था। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, बात पूछताछ की। क्या इनके पास वकील की डिग्री है? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं उनमें ये बताया गया कि वर्ष 2013 में उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से लॉ किया है, उसके बाद उसने पीजी की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है।